व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। फिर भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे अपना दोस्त समझें और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी परेशानी है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हो या फिर कोई और जनरल परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में, प्रोडक्शन का बिल्डिंग प्रोसेस, और हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। पिछले लेसन में हम लोगों ने गैस बिल्डिंग देखा था और इस लेसन में हम लोग गैस कटिंग को देखेंगे, ठीक है? तो गैस कटिंग, गैस बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है और क्या कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों को हम लोग इस लेसन में देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है। आयरन एंड स्टील ऑक्साइड्स व्हेन हीटेड टू टेम्परेचर बिटवीन 800 डिग्री टू 1100 डिग्री, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आयरन या फिर स्टील जिसकी हमको कटिंग करनी है उसको हीट करते हैं, और हीटिंग टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है, 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम हीट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हाई प्रेशर ऑक्सीजन जेट, हम बहुत ही प्रेशर पे एक ऑक्सीजन जेट फ्लो कराते हैं जिसका प्रेशर करीबन होता है 300 पास्कल, ठीक है? 300 पास्कल पे हम अपना फ्लो कराते हैं और वो जो ऑक्सीजन जेट है वो डायरेक्टेड अगेंस्ट अ हीटेड स्टील प्लेट, द ऑक्सीजन जेट वंस द मेटल एंड ब्लो इट अवे कॉजिंग द कट। तो देखिए क्या होता है भाई इसमें, खैर कुछ पॉइंट्स और भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ उन सब चीज़ों को। फॉर कटिंग मेटेलिक प्लेट्स शीयर्स आर यूज, दीज आर यूजफुल फॉर स्ट्रेट लाइन कट्स एंड ऑल्सो फॉर कट अप टू 40 mm थिकनेस। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन जेट डिफरेंस इन टॉर्च टिप्स फॉर गैस बिल्डिंग एंड गैस कटिंग। गैस बिल्डिंग का टॉर्च देखिए और गैस कटिंग का टॉर्च देखिए, गैस बिल्डिंग और गैस कटिंग में क्या अंतर है, कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा। और ये करता क्या, दोनों देखिए इसमें कुछ होल्स हैं और वो होल्स के होल्स का काम क्या है, होल्स का काम है कि ये फॉर प्री हीटिंग के लिए यूज होता है जो छोटे होल्स हैं, और जो बड़ा होल है वो ऑक्सीजन जेट फ्लो कराने में यूज होता है। ये पहले हीट कर देता है ऑक्सीजन, जाके वहाँ से रिएक्शन करता है और उसको वो जेट क्या करता है, तोड़ के वो अलग कर देता है, ठीक है? ये काम करता है ऑक्सीजन कटिंग में, या फिर जिसे आप गैस कटिंग कहते हो, ठीक है? पहले आप हीट कर दीजिए और हीट पे जैसे ही ऑक्सीजन फ्लो कराओगे वो ऑक्साइड बनाएगा और वहाँ से वीक हो जाएगा, ठीक है? उस एरिया पे जहाँ पे हीटिंग है, जहाँ पे ऑक्सीजन का आपने फ्लो कराया है, ठीक है, वहाँ ऑक्साइड बना के वीक होकर वो टूट के अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है गैस कटिंग का। लार्ज साइज ऑरिफिस प्रोड्यूसेस क्रिप विड्थ वाइड एंड लार्जर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे आपका ऑरिफिस यूज होता है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है? ऑरिफिस यूज होता है ऑक्सीजन जेट प्रोवाइड कराने के लिए, नोजल नहीं यूज होता है, ठीक है? नोजल ऑरिफिस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। नेक्स्ट चलते हैं, एट कैंडलिंग टेम्परेचर अबाउट 870 डिग्री सेल्सियस आयरन फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि क्या जो टेम्परेचर आप दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 800 डिग्री सेल्सियस से 10000 डिग्री मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे रहे हो, और 870 डिग्री सेल्सियस पे आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जैसे ही आप फ्लो कराओगे उतने हाई टेम्परेचर तुरंत वो रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से और तुरंत आयरन ऑक्साइड बना लेगा और वीक हो जाएगा, और वहाँ से ऑक्सीजन का जो जेट है, जो प्रेशर पड़ रहा है उससे वो क्या हो जाएगा, कट के अलग हो जाएगा, ठीक है? रिएक्शंस भी दे रखे हैं, रिएक्शन दे रखा है Fe जो है O2 से रिएक्शन करके Fe3O4 बनाता है जो कि जंग होता है, और इसमें 6.67 मेगा जूल आपको एनर्जी मिलती है पर केजी ऑफ आयरन पे। अगर 1 केजी आयरन पे आपने किया है तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा, आपको 6.67 मेगा जूल एनर्जी मिलेगा 1 केजी आयरन को इसे रिएक्शन कराने पे, ठीक है? अदर रिएक्शन भी उसमें होता है, FeO2 से रिएक्शन करके FeO भी बना सकता है, और इस केस में आपका 3.18 मेगा जूल केजी ऑफ आयरन ही मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन FeO2 से भी रिएक्शन कर सकता है, और फिर जो FeO बना है या फिर कुछ ऑक्सीजन जो Fe बच गया है वो सब आगे भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है? FeO होना चाहिए आई थिंक, देखते हैं, नहीं है Fe ही है, Fe है, Fe का रिएक्शन दोनों ढंग से दिखाया गया है, Fe
ओ टू से ऑक्सीजन करके एफ ई थ्री ओ फोर भी बनाता है, एफ ई ओ टू से रिएक्शन करके एफ ई टू ओ थ्री भी बनाता है, ठीक है, दोनों में अलग अलग ढंग से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अगर एफ ई थ्री ओ फोर बना लेगा तो 6.67 मेगाजूल एनर्जी रिलीज करेगा वो एक के जी आयरन पे, और अगर एफ ई टू ओ थ्री बनाता है तो वो 4.9 मेगाजूल पर के जी ऑफ आयरन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये है आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और भी इसमें जो टर्म्स है उसको भी देख लेते हैं, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो देखना है हम लोगों को वो देख लेते हैं। क्या है वो? ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्री हीटेड द स्टील। तो ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो भी जितने भी एक्सोथर्मिक सब रिएक्शन मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये सारे रिएक्शंस इस्तेमाल क्या होता है, रिएक्शन प्री हीट द स्टील। उसके बाद क्या करते हैं, द ड्रैग लाइंस शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रीम, ठीक है, ड्रैग लाइन जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रैग इज द अमाउंट बाय विच द लोअर एज ऑफ द ड्रैग लाइन ट्रायल्स फ्रॉम द टॉप एज। गुड कट मीन्स नेग्लेजिबल ड्रैग। अगर गुड कट करना है तो ड्रैग आपका कम से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग बहुत कर लिए, गैस कटिंग इतना ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, गैस कटिंग से फिर भी वो क्वेश्चन देने को तो दे ही सकते हैं क्योंकि पढ़ना तो है ही, पर गैस वेल्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गैस कटिंग थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट होता है, कम क्वेश्चन आता है, पर आता है क्यों टूटता है और फिस यूज होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, कई बार मैंने फेस किया है ऐसे क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग देख के जाइएगा। तो पोजीशन ऑफ कटिंग टॉर्च इन ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग, इसमें आप देख सकते हो ये कैसे हम पोजीशनिंग रखना है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल आपका देखिए, ये किस डायरेक्शन में आपको ट्रेवल कराना, आगे की ओर लेते जा रहे हैं, देखिए पीछे कैसे होता जा रहा है, ठीक है, इसे क्रीप कहते हैं और ये अनकट है जो कटता जा रहा है, ठीक है, और ये ड्रैग इसी यही ड्रैग बन रहा है, ठीक है। तो ये है विशेष, इसमें हम लोगों को पूछा नहीं जाता है। आगे हम लोग चलते हैं जो इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, वो है थर्मिट बिल्डिंग। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो थर्मिट बिल्डिंग के बारे में हम लोग अगले लेसन में देखेंगे। इस लेसन में हम लोग यहीं तक मैं रखता हूँ, अगले लेसन में हम लोग थर्मिट बिल्डिंग को डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। गैस कटिंग पे क्वेश्चन आते हैं पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन भी गैस कटिंग पे नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस लेसन में इतना ही था। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो ऐड करूं तो आप तक उस पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। जब भी कोई मैं एग्ज़ाम आता, जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम आया था, आरआरबी जेई का, तो मैंने उसकी नोटिफिकेशन वीडियो बनाया था कि कौन एग्ज़ाम भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ से फॉर्म भर फिलअप करना चाहिए। अब तो आपने फिल कर दिया होगा कि कौन सा जोन से फॉर्म फिल करना मैंने बेनिफिशियल है, कौन सा सिलेबस है, कहाँ कौन कौन से बुक फॉलो करना चाहिए, किस किस पे टॉपिक पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और किसी पे मैं बनाऊंगा, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं उसी वीडियो में देता हूँ। तो आप मुझे फॉलो करके जरूर रखें क्योंकि उस पर समय नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन आता है एकदम अवेलेबल हो जाते हैं, कहाँ से पता रहेगा, और ये चैनल पर आ ही नहीं लोग पाते हैं, तो नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको बता देगा, ठीक है, और कोई पैसे तो लग नहीं रहे। तो और इसके अलावा जो आपको मेहनत करना है, जो गुरुदक्षिणा देना है, वो ये है कि आपको ये वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, अधिक से अधिक आपको शेयर करना है अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों को मैसेज के थ्रू। अब तो मैसेज ही फ्री है, आपको ये वीडियोज भेजने हैं उनको, ठीक है, तब मैं और भी अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा और भी अच्छी मेहनत करके आऊँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इस लेसन में हमें इतना ही